हूँ आपका होस्ट राहुल, और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। ये क्या डॉट डॉट आ रहा है, चल छोड़, जो भी आ रहा है देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि अब के टाइम पे एक बाइक निकली है, जैसे कि सब जानते हैं हीरो ग्लैमर। हीरो ग्लैमर के अंदर 125 सीसी के अंदर, मतलब इसमें एफआई टेक्नोलॉजी दी गई थी। इस बाइक के अंदर लोगों ने बहुत लोग पसंद भी करते हैं यार, सबकी फेवरेट बाइक है, मेरे पास भी हाल फिलहाल यही है। FI जो होता है फ्यूल इंजेक्शन, अगर ये कभी ख़राब हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा दोस्त बताता है कि यार ये ख़राब हो गया, अब क्या करें, और नया इसका पूरा सेटअप लगवाने में कम से कम ये 10 से 12 हज़ार तक का आ जाता है। मैक्सिमम भी आई थिंक मैंने मैक्सिमम बनाया, मिनिमम तो नो आइडिया कितने का आता है। तो अगर आप लोग की बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम करो, उसको अगर रिपेयर हो सकता है तो आप उसे रिपेयर करवा लो, वरना सीधी सी बात है आप कार्बोरेटर वर्जन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। कार्बोरेटर को अगर तुम्हें एवरेज चाहिए, 5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, तो ट्यून अप करवा के उसका एवरेज भी आप सही करवा सकते हो, एवरेज के ऊपर कोई इतनी वो बात नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप उसकी जगह अगर आप कार्बोरेटर करवा देते हो अपनी बाइक को तो और बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब ये, आप 12,000-13,000 फूकने से अच्छा कार्बोरेटर लगवा के, और कार्बोरेटर अगर आप किसी पुरानी बाइक से भी किसी के पास जा दो वो लगा के दे देता, किसी बाइक में से निकाल के लगा के दे देता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो कि ये है कि अगर तुम नया लेते हो, नया कहने की बात हो रही है कि वो नया होता है, कोई फ़ायदा नहीं है कि होता है, चाइना का डुप्लीकेट ही मारता है। जेन्युइन पार्ट भी ले लो फिर भी वो एक टाइम पे बस भरोसा होता है जेन्युइन है, बाकी पता नहीं क्या है। तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत ख़राब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम ख़राब करने दें। ओके, बाय।